जनपद जालौन में अवैध रूप से बालू खनन भारी मात्रा में फलफूल रहा है, जिसको लेकर कोंच कोतवाली क्षेत्र के पिंडारी कोंच मार्ग पर सीओ नवीन कुमार नायक ने ग्राम चंदूरा के पास मोरम से हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया और ड्राइवर से कागजात मांगे तो वह कागजात स्पष्ट नहीं दिखा सका। उन्होंने मोरम से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कोतवाली में खड़ा कर दिया। सीओ ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मोरम से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है और कोतवाली प्रभारी को सौंप दी गई है। उसके खिलाफ 79511 खनिज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक अवैध खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लग जाता। मैं चंदोरा के पास से गुजर रहा था, उसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में मोरम लदे हुए गाड़ी दिखाई दी। उसको हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के ले पूछा गया तो कह रहे थे कि कोई जवाब उत्तर नहीं दे पाए सही ढंग से। उनको थाने लाया गया और थाने में इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया और उनके खिलाफ जो भी मुकदमे उसके अनुसार बनते हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। 379511 खनिज एक्ट के तहत वार नंबर प्लेट नहीं था, उसके तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे उनके खिलाफ। सर, इसमें सुनने में आ रहा है कि एक सिपाही भी संलिप्त है, क्या मामला? जी हाँ, एक सिपाही का नाम आया है कि उसका फोन आया उस दौरान कि इसको छोड़ दिया जाए, इस तरह की बातें प्रकाश में आई। उसके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट भेजी जाएगी उच्च अधिकारियों को और उसको तत्काल यहां से स्थानांतरित करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा। सर, क्या नाम है सिपाही का? नाम अभी थोड़ी गोपनीय रखा गया।